इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को सलाम और नमस्कार। आप सबको जो नौजवान है और जो पुराने जवान है, ये दोनों की स्टोरी थोड़ी अलग अलग है। हिंदुस्तान हम जब के नौजवान हैं तब भाईचारा ऐसा था कि घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उसका नाम सिर्फ आधे नाम से बुलाया जाता था, जाति वाति नहीं देखा जाता। और फिर कुछ ऐसा जहर लेके कुछ लोग आ गए जो हम दूध बना करके खीर बना करके पिया करते थे, खाया करते थे, उसमें थोड़ा सा जहर डाल कर आज हिंदुस्तान को जो बांटने की कोशिश की जा रही है। जैसे स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छी तरह से कहा कि हम एक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोई शक है क्या? जब आपको शक नहीं है तो फिर फिक्र नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर में वो भी आपके मुखातिब होंगे, लेकिन आपको भी एक काम करना है भाईचारा। आप गैरों से सबसे कहिए कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान में, भारत देश में, वो आपके हमारी मर्जी से नहीं हुआ। अगर कुछ मर्जी से हुआ है तो हम अपनी मर्जी से यहाँ रह गए हैं। हमारे बाप दादा ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों का प्यार इतना है हमसे कि हम इन्हें छोड़ के नहीं जाते और ये हमें छोड़ने नहीं देंगे। और वो प्यार कहीं गया है नहीं। अगर आप स्टेज की तरफ नजर देखें, नजर करें, तो ये प्यार आपको पूरा का पूरा यहाँ दिखा देगा। अब क्या करें? जो नकारे हैं वो पूरे हिंदुस्तान की दिशा भूल करने के लिए कुछ ना कुछ एक नया नया खड़ा करते रहते हैं। और खास करके माइनॉरिटीज को बुरा भला कहते ये समझते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी इनके साथ में आएगी। अरे ये तो 15 लाख के वादे पे इनके साथ में गए थे जिन्होंने धोखा दिया है। 15 लाख ना आपको मिले ना उनको मिले, किसी को मिलने वाले नहीं है। तो ज्यादा आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल आराम से रहिए। सारा हिंदुस्तान आपके साथ में है और देखते 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 बिल्कुल। और ये विश्वास और ये भरोसा जब तक आप अपने सीने में रखेंगे, अपने हिंदू भाइयों से कहेंगे कि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ में हैं और उससे बढ़ के हम आपके साथ में हैं, और यही हजारों तक साल तक चलते रहेगा और चलने वाला ही है। बाकी जो है 2-4 साल में फना हो जाएंगे, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। देखते देखते इनका ही सर्टिफिकेट बन जाएगा, पहला इसका तो नहीं बनेगा, बाकी बन जाएगा। आप देख लीजिए जो जिसको हरे को जाना है उन्हें भी जाना है, हमें भी जाना है, लेकिन 1000 साल जीने वाले हैं क्या? आप इत्मीनान से रहिए, इत्मीनान से अपने रोजी रोजगार पे लगे रहिए, ईमानदारी से। भारत देश जितना किसी और का है उतना आपका है, उतना मेरा है। सिद्धरामैया साहब का ज्यादा नहीं है, मेरा कोई कम नहीं है, और उतना ही अब्दुल का भी है, रऊफ का भी है, रमेश का भी है, और जो भी है वह उन सबका है। तो भाइयों, बच्चों, नौजवानों, एक काम आपको करना है, एक काम आपको करना है। वक्त खत्म हो गया, क्योंकि चिट्ठी आ गई है, तो दो लफ्जों में ही कहूंगा कि आपको हमेशा भारत देश की अखंडता सुरक्षित रखने की कसम खानी है। आपको ये कसम नहीं खानी है कि पेपर दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, वो तो आपकी मर्जी है, बड़े बताएंगे वो हम करेंगे, लेकिन इसकी एकता जुड़ी रखना ये आप पे फर्ज है, हम पे फर्ज है, हर भारतीय पे फर्ज है, और हम भारतीय हैं, और इंशाअल्लाह ये ऐसे ही रहे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।